अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपील वीडियो बनाना सीख लीजिए तो आप कहोगे अपील वीडियो बनाना मुझे आता है। मैं आपको बताऊंगा अपील वीडियो बनाना आपको बिल्कुल नहीं आता। अगर अपील वीडियो बनाना आता होता ना आपको तो आपकी अपील से एक बार में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो जाता। आपको यही नहीं पता कि अपील वीडियो में बोलना क्या है, बताना क्या है, समझाना क्या है और यूट्यूब को क्या नहीं बताना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्रिएटर हैं जो यूट्यूब को वो भी चीजें बता देते हैं जो नहीं बताना है। आपके स्क्रीन पर $697 फंसे हुए एक यूट्यूब चैनल का यहां पर स्क्रीनशॉट दिख रहा है। इस चैनल पर कोई दिक्कत नहीं, 7 मिलियन व्यूज, $697 फंसे हुए हैं। वीडियो क्या थी? कॉपी पेस्ट। लेकिन चैनल पर प्रॉब्लम क्या गया? रीयूज्ड कंटेंट। जबकि इनके चैनल को अपील करने के बाद हमने मोनेटाइज करा दिया सिर्फ एक दिन के अंदर, और एक दिन बहुत ज्यादा बता रहा हूं, सिर्फ 12 घंटे के अंदर इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। आपका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, अपील कैसे करें आप अपने YouTube चैनल पर, स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल आपको आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले आपको ध्यान में यह रखना है कि अपील वीडियो बनाने से पहले अपने चैनल के बारे में जानना होगा। आपको आप अपने चैनल के बारे में ही नहीं जानते। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने चैनल के बारे में बताओ तो आप क्या बताओगे? आप ये बता दोगे मैं अपने चैनल पर गेमिंग की वीडियो बनाता हूं, लेकिन आपने अपने YouTube चैनल पर 10 तरीके की वीडियो और डाल रखी है जो कि आपको पता ही नहीं है। दोस्तों मैं अब आपको बताता हूं आपका चैनल किस टॉपिक पर होगा, किस कैटेगरी में होगा। आपका चैनल उसी कैटेगरी में होगा जिस कैटेगरी में आपके YouTube चैनल पर ज्यादा वीडियो है। आपके चैनल पर जो ज्यादा वीडियो है जिस कैटेगरी में, जैसे मान लो आपने अपने चैनल पर 100 वीडियो अपलोड कर रखी है, राइट, और 100 वीडियो में आपने अपने YouTube चैनल पर 80 वीडियो गेमिंग की डाल रखी है तो आपका YouTube चैनल गेमिंग कैटेगरी में होगा। लेकिन अगर आपने 100 वीडियो में 80 वीडियो ब्लॉगिंग की डाल रखी है तो आपका YouTube चैनल ब्लॉगिंग कैटेगरी में होगा। आपको YouTube पर अपील करते टाइम ये बताना है कि मेरे चैनल का थीम ब्लॉगिंग कैटेगरी का है, राइट, ये बात ध्यान रखना। अपील करते टाइम बहुत सारे क्रिएटर ये सब चीजें बातें भूल जाते हैं जिसकी वजह से उनका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होता है। अपील वीडियो बनाते टाइम आपको रोते रोते नहीं बोलना है। बहुत सारे क्रिएटर सिर्फ रोते रोते बोलते हैं, बिल्कुल सही नहीं है, 100% गलत है, ऐसा नहीं करना है। अगर आप रोते रोते ऐसे बोलोगे हेलो डियर टीम YouTube, मेरे चैनल का नाम ये है, मैं अपने चैनल पर कोई दूसरे की वीडियो नहीं डालता, सब कुछ खुद डालता हूं, ऐसा YouTube चैनल कभी आपका मोनेटाइज नहीं होगा, ये लिख कर ले लो। दोस्तों अब मैं आपको आगे की पॉइंट बताता हूं। अगर आप अपील वीडियो बनाते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर पॉजिटिविटी ही बतानी है, निगेटिव बातें नहीं बतानी। जैसे आपने कोई वीडियो डिलीट किया वो नहीं बताना है, आपने किसी का कॉपी पेस्ट किया वो नहीं बताना है। आपको यूट्यूब पर सिर्फ ये बताना है कि आपके वीडियो बनाने का मकसद क्या है, आपकी ऑडियंस क्या है और आप कितने व्यूज लाते हैं, और आप जब वीडियो अपलोड करते हैं तो कमेंट किस तरीके से आते हैं आपके चैनल पर, आपका सोशल मीडिया का लिंक लगा है कि नहीं लगा, ये सारी चीजें आपके वीडियो में होनी चाहिए। और पॉजिटिविटी के साथ में, मतलब कि आप अपने वीडियो की सब अच्छी अच्छी चीजें बताएंगे, नेगेटिव चीजें बिल्कुल नहीं बताना है। मेजर मिस्टेक मैं आपको अगर बताऊं तो बहुत सारे क्रिएटर को ये लगता है कि अगर मैं अपील वीडियो में सिर्फ यूट्यूब को बोलकर बता दूंगा हेलो डियर टीम यूट्यूब मेरा चैनल का नाम ये है और मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करता हूं, मेरी वीडियो आप देख लीजिए, मैं किसी का कॉपी नहीं करता, पेस्ट नहीं करता, सब कुछ अपना खुद का होता है, प्लीज आप मेरे चैनल को मोनेटाइज कर लीजिए। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपका चैनल कभी मोनेटाइज नहीं होगा। 1, 2, 3, 10 बार अप्लाई कर लीजिए, कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। आपका चैनल मोनेटाइज कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी आप पूरी वीडियो देख लीजिए ना, आपको अब जो 13 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं ना, इन 13 पॉइंट को कहीं नोट कर लीजिए, और इन नोट करने के बाद आप इन सभी पॉइंट को टिक करते करते आप अपील की वीडियो बनाना। अपील वीडियो अगर आपने बना ली आपका चैनल एक दिन के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। लेकिन जो बातें बता रहा हूं इसको फॉलो करना है आपको। सबसे पहले आपकी वीडियो 5 मिनट से छोटी होनी चाहिए अपील की वीडियो, राइट। दूसरा, आपकी वीडियो जब 30 सेकंड कंप्लीट होने वाले हो, अपील वाली वीडियो 30 सेकंड, उसके अंदर ही आपको अपने चैनल का यूआरएल दिखाना है। यूआरएल मतलब आपके चैनल का लिंक दिखाना है आपको, राइट। पॉइंट नंबर 3, आपको अपने चैनल का अबाउट सेक्शन दिखाना है। अबाउट सेक्शन दिखाने के लिए आपको यूट्यूब पर जाना होगा, अपने चैनल के अबाउट को क्लिक करना होगा और उसको वीडियो में दिखाना होगा यूट्यूब पर, और वीडियो में बोलना भी होगा ये मेरे चैनल का अबाउट है, आप देख सकते हैं डीएटी यूट्यूब। पॉइंट नंबर 4, अपने चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो को दिखाना है। पॉइंट नंबर 5, आप अपने चैनल के ओल्डेस्ट वीडियो दिखाना है, जो सबसे पुरानी यानी कि सबसे पहले वीडियो आपने जो अपलोड किए वो भी दिखाना है। और पॉइंट नंबर 6, अपने चैनल के जो लास्ट में सबसे लास्ट वीडियो अपलोड किए वो भी दिखाना है। पॉइंट नंबर 7, आप वीडियो कैसे एडिट करते हैं वो भी दिखाना है। पॉइंट नंबर 8, वीडियो शूट कैसे करते हैं, वीडियो शूट करने का आपका तरीका क्या है वो भी यूट्यूब को दिखाना है। पॉइंट नंबर 9, अगर मैं बात करूं तो वीडियो में अगर आप वॉइस ओवर करते हैं तो वॉइस ओवर करते हुए अपनी वीडियो शूट करना है और वो भी यूट्यूब को दिखाना है। पॉइंट नंबर 10, अगर मैं आपको बताऊं तो सिर्फ पब्लिक की हुई वीडियो को ही दिखाना है, आपको प्राइवेट अनलिस्टेड की हुई वीडियो नहीं दिखाना है। पॉइंट नंबर 11, आप शॉर्ट लॉन्ग वाली वीडियो को दिखाना है, शॉर्ट भी दिखाएंगे लॉन्ग भी दिखाएंगे। शॉर्ट में आपको कम से कम 10 वीडियो दिखानी है और लॉन्ग में आपको 5
पांच सात वीडियो दिखानी है। अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट नंबर 12 तो आप दिखाएंगे लाइव वाली वीडियो, अपने अपील वीडियो बनाते टाइम लाइव की वीडियो दिखाएंगे। जितनी वीडियो आपको बताई है दिखाने के लिए, इसमें आपको क्या बोलना है मैं बता देता हूं। आपको यही बोलना है, डियर टीम यूट्यूब आप मेरी मोस्ट पॉपुलर वीडियो देख लीजिए, डियर टीम यूट्यूब अब आप मेरी ओल्डेस्ट वीडियो देख लीजिए, डियर टीम यूट्यूब अब आप मेरी शॉर्ट की वीडियो देख लीजिए। ये सारी चीजें आपको ऐसे ही बोलना एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया है। आप ये काम करके अपील करिए, अपील करते टाइम आपको कोई टेंशन नहीं होगी। और हां, पॉइंट नंबर 13 जो आपको बताया था बताने के लिए, नोट कर लो इसको भी, अपील करने के बाद आप कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करेंगे जब तक आपका यूट्यूब चैनल कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करता है। जब आपके चैनल पर मोनिटाइजेशन ऑन हो जाए, आपको मेल आ जाए, उसके बाद आप वीडियो अपलोड करना। बहुत सारे क्रिएटर का यह क्वेश्चन होता है कि सर मेरे चैनल पर प्लीज आप मुझे बता दीजिए जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जो प्राइवेट वीडियो कर रखी है क्या उसे पब्लिक कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकते हो। अगर आपने पब्लिक कर दिया तो दोबारा से आपका यूट्यूब चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। आपको हमारी ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी है नीचे कमेंट बॉक्स में तो बताना ही। दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज देता हूं, अगर आपको नहीं ये सब आता है करना और आप समझ नहीं पा रहे हैं कैसे कैसे करना है, तो आप हमारी पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं। सामने आपको दो इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही है, इन दोनों आईडी पर मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं आई वांट टू पेड मेंबरशिप, आई वांट टू वीडियो कॉल, और आप लिखेंगे हम आपके चैनल को रिव्यू करेंगे, देखेंगे और मोनेटाइज करवाएंगे। आपके चैनल पर प्रॉपर तरीके से रिव्यू होने के बाद अपील वीडियो जनरेट कराएंगे और उसके बाद आपको सारी चीजें सिखाएंगे और आपके चैनल को मोनेटाइज कराएंगे और आगे भी बताएंगे कि आपके चैनल पर कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।